स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोगों के एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों आज बात होगी WTC फाइनल का, जहां पे इंडिया का सर्वनाक रिकॉर्ड बना है और बहुत ही कमजोर प्रदर्शन रहा है। WTC फाइनल में पहली पारी में पिछड़ गया है भारत। सारा कुछ बताऊंगा कैसा प्रदर्शन रहा, किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए और कहाँ पे इंडिया पिछड़ी है, तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टीम इंडिया के टॉप चार ने बनाया सर्वनाक रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन बनाए WTC फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया पर शिकंजा कस दिया है। तो दोस्तों शिकंजा कैसे कसा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने दो खिलाड़ियों ने जबरदस्त सेंचुरी बनाया और 469 रन पे पहुंची। और उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा 15 रन, शुभमन गिल 13 रन, पुजारा 14 रन, कोहली 14 रन। तो ये टॉप चार का प्रदर्शन आप देख सकते हैं कितना शर्मनाक रहा है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 89 रन का पारी खेला, एक सम्मानजनक स्कोर तक अगर पहुँचाया है तो इसमें अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर जैसे निचले बल्लेबाजों का योगदान रहा है, जिसमें कि आप 296 रन आप देख रहे हैं बोर्ड पे। वहीं बॉलिंग की बात करें तो अगर सिराज को 4 विकेट जरूर मिला है, पर बॉलिंग का प्रदर्शन भी इतना खास नहीं रहा है, सब ने अच्छा खासा रन भी लुटाया है। तो 4 विकेट सिराज ने जरूर लिया है, शमी को 2 विकेट मिले हैं और ठाकुर को 2 विकेट, रविंद्र जडेजा को वहाँ 1 विकेट मिला है। तो दोस्तों बॉलिंग में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, इसी कारण से 469 रन बनाया गया। उसके बाद बात करें अगर अभी तो अभी अगर ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ऑस्ट्रेलिया का लीड हो चुका है 196 रन का और अभी टी ब्रेक है, आप तीसरे दिन का टी ब्रेक में है टीम। तो अभी यहाँ से इंडिया को वापसी अगर करना है तो सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को जल्दी रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लीड ऑस्ट्रेलिया का लीड बढ़ के हो जाता है 300 के करीब, 400 के करीब, तो फिर इंडिया के लिए ये मैच बचाना और बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये मैच तब इंडिया हार जाएगी लगभग, और इंडिया अभी ही लगभग हार चुकी है ये मैच। लेकिन अभी उम्मीद है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो आने वाले समय में अगर टीम इंडिया 250 से 300 के अंदर इसे 300 से कम में अगर रोक सकती है ऑस्ट्रेलिया को तो भी कुछ चांस है। 300 से ज़्यादा अगर रन बनाएगी ऑस्ट्रेलिया तो फिर मुश्किल में है भारत। लेकिन ये चार दिग्गज को क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं IPL में इन सबका प्रदर्शन अगर आप देखें तो धुआंधार रहा। चेतेश्वर पुजारा को छोड़ के शुभमन गिल शानदार फॉर्म में थे और पर्पल कैप था इनके पास। उसके बाद बात करें रोहित शर्मा कुछ खासा फॉर्म नहीं था, लेकिन IPL में ठीक ठाक फॉर्म में थे। विराट कोहली शानदार फॉर्म में थे, पर देश से बाहर जाते ही इनका फॉर्म क्या हो जाता है पता नहीं। और उसके बाद आप देखें तो ये शर्मनाक प्रदर्शन देखें आप। शिखर भरत भी इसको खिलाया गया, आप देख सकते हैं ईशान किशन की जगह, लेकिन ईशान किशन ज़्यादा बेहतर साबित होते, 5 रन ही बनाए उन्होंने। उसके बाद अगर बात करें तो ये टॉप चार ने 20 रन का आंकड़ा भी किसी ने नहीं छुआ। तो दोस्तों ये बेहद शर्मनाक है कि इतने बड़े लेवल पे जाके आप इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। देखते हैं सेकेंड इनिंग में क्या होता है, उम्मीद पे कायम है, हम लोग क्रिकेट के फैंस हैं, आखिरी बॉल तक हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, तो इस पर भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, अपडेट करूँगा आने वाले समय में जो भी होगा। हम चाहते हैं कि इंडिया यहाँ से भी ये मैच को जरूर जीते। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आप लोगों का क्या कहना है टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।